तो दोस्तों हम अभी करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 करेंगे हम अभी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन का निम्न के मध्य पांच परिमेय संख्या ज्ञात करना है, उसमें तीन क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उनका क्या है 2/3 और 4/5। हमें क्या करना, हर समान लेने के लिए पहले क्या हम करेंगे, एलसीएम लेंगे दोनों का हर समान बनाएंगे तो हमें परिमेय संख्या बनाने में हमें आसानी रहेगी। एलसीएम कितना होगा यहाँ पे, दोनों को इंटू करते 5 × 3 = 15, दोनों का हम 15 एलसीएम मान के चलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, 2/3 को कितने से मैं अंश में और हर में गुणा करूँ कि 15 हो जाएगी, 5 से करता हूँ, 5 को 3 से करूँगा तो 15 हो जाएगा। चलो 2 को 5 से किया 10/15, दूसरी संख्या क्या है 4/5 इनको इसको कैसे करूँ, 3 से करूँगा तभी नीचे 15 होगा, ऊपर कितना हो गया 12, नीचे कितना हो गया 15, हमें ये 2 मिली। इनके मध्य परिमेय संख्या लिखते हैं, 10/15 के बाद कितना था 11/15 एक परिमेय संख्या, फिर 12/15 आ गया, लेकिन हमें परिमेय संख्या कितनी निकाली 5, हमें ही कितनी मिल रही यहाँ पे 1। तो हम अभी और हमें कुछ करना पड़ेगा तब जाके मिलेगी। मैं क्या करता हूँ 10/15 को 4 से दोनों तरफ करता हूँ अंश में और हर में, ऊपर कितना हो गया 40, नीचे कितना हो गया 15 × 4 = 60, दूसरी संख्या कितनी है 12/15, इसको भी 4 से करता हूँ, ऊपर कितना हो गया 12 × 4 = 48, नीचे कितना हो गया 60। हाँ अभी हमारे निकल सकती हैं, अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, 40 के बाद कितना आता है 41/60, 42/60, 43/60, 44/60, 45/60, हमें कितनी निकालनी 5, 1, 2, 3, 4, 5 और भी निकाल सकते हैं हम 47 तक, 46/60, 47/60, लेकिन हमें क्वेश्चन में कितना 5 बोला तो हम ये 5 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 2 में क्या है 3/2 और 5/3, इसमें भी हमें परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए दोनों का हर समान बनाने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 2 का, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो हम 6 बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं 3/2 को कितने से करूँ 3 से करता हूँ तभी नीचे 6 होगा, ऊपर होगा 9, नीचे होगा 6, दूसरी क्या है 5/3 × नीचे क्या 2 से करूँगा तभी तो नीचे 6 होगा, ऊपर हो जाएगा 10, नीचे हो जाएगा 6, तो हम इसके में दिए आराम से बना सकते हैं। माइनस में है इधर प्लस में है, तो मैं माइनस से बड़ी संख्या की ओर चलता हूँ, 8/6, 9 नहीं लेंगे मध्य लेना है, तो 8/6, 7/6, 6/6, 5/6, 4/6, हमें कितनी बोली 5 बोली, तो 1, 2, 3, 4, 5 और भी ले सकते हैं, 3, 2, 1 से लेकर 9 तक ले सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अभी आता है क्वेश्चन नंबर 3, 1/4 और 1/2, इसमें भी दोनों का हर समान बनाने के दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो दोनों का एलसीएम कितना होगा, दोनों का एलसीएम दोनों को इंटू करते हैं कितना होगा 8, तो हमें 8 बनाना है। 1/4 को कितने से करूं 2 से करूं मैं तभी तो नीचे 8 आएगा, ऊपर हो जाएगा 2, नीचे हो जाएगा 8, ओके। दूसरी क्या 1/2 कितने से करूंगा 4 से करूंगा तभी तो नीचे 8 आएगा, ऊपर हो गया 4, नीचे हो गया 8। अभी दोनों के बीच में हम परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं, 2/8 के बाद कितना गया 3/8 आ जाएगा, फिर 4/8, हमें कितनी चाहिए 5 है, यहाँ पे 1 मिल रही है, तो हमें अगेन और ऐसा करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ 8 से कर देता हूँ, 2/8 हमारा पहला है 8/8, ऊपर कितना हो गया 16 हो गया, नीचे कितना हो गया
64, ओके पहली। दूसरा क्या हमारे पास, 4/8, 4/8 इंटू 8/8, नीचे ऊपर कितना हो गया 32 हो गया, नीचे कितना हो गया 64। हम अभी आसान से निकाल सकते हैं, पहली है 16/64, दूसरी है 32/64, हमें यहाँ पे कितनी 5 चाहिए, 5 परिवेश संख्या चाहिए। 16 के बाद कितना आती है 17/64, 18/64, 19/64, 20/64, 21/64, हमें कितने 5 बोला, 1, 2, 3, 4, 5 और भी लिख सकते हैं, 22, 23, 24, यहाँ पर 31 तक लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम नंबर 6।